कोचिंग क्लास देखिए मेरा पैशन रहा है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को शौकिया तौर पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कॉलेज के साथ साथ ख़त्म करते ही मैंने एस का इस्टेब्लिशमेंट किया। यहाँ मेरा कॉलेज एक तरफ ख़त्म हुआ और दूसरी तरफ एस की शुरुआत किया। 2011 में MP से माइग्रेट हुए थे और बॉम्बे में शुरुआत किया 2011 में। एज के द्वारा अब तक कितने बच्चों का भविष्य बनाया गया है? लगभग हर साल हमारे यहाँ 125 एडमिशन्स होते हैं, तो 2011 से अब तक आप समझ लीजिए कि एक ब्रांच में 125 बच्चे इनरोल होते हैं जो हर साल दर बदर बढ़ते रहते हैं आगे। और कुछ का एडमिशन बैक टू बैक होता है, जैसे हमारी एक स्टूडेंट रही है श्रेया जैन, वो 10th 11th 12th 3 साल इन्होंने लगातार रायनसान पढ़ा, टॉप किया। इस साल का जो रिज़ल्ट आया उसमें 10th में अंकिता मुखर्जी ने टॉप किया। और भी बहुत सारे ग्रोथ अचीवर्स हमने निकाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो सफलता है रही है क्लासेस की, वो दिन ब दिन बढ़ी है। सफलता तो नहीं बट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का सपोर्ट एंड कोऑपरेशन रहा है हमेशा। अब वही उसी को सफलता में कन्वर्ट अगर कर दिया गया है, बदल दिया गया है, तो सफलता कह सकते हैं उसे। इसकी अपने आप में क्या खास बत रही है? देखिए जब से मैं स्टूडेंट था तो मुझे जो एक प्रॉब्लम्स हमेशा खुद की पढ़ाई में फेस हुई हैं वो प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट्स को ना हो, तो मैंने सारे अपने प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज उसी आधार पे बनाए। जिसमें सबसे पहला होता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्कूल में आपका देखिए तो 30 से 40 या 50 बच्चे रहते हैं, होम ट्यूशंस में 1 या 2 बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट वहाँ पे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने बीच का वे निकाला जहाँ पे हम हमारे बच्चे सिर्फ 10 से 12 स्टूडेंट्स एक क्लास में रखते हैं ताकि टीचर पूरी तरह से हर बच्चों का ध्यान रख सके और कंपटीशन भी बराबर हो। क्या एस को कभी कोई अवार्ड मिला है? इस साल एक नेशनल मैगजीन है हायर एजुकेशन रिव्यू, इन्होंने हमें इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर कोचिंग कैटेगरी के लिए नवाजा है, तो ये एक शुरुआत है। आगे इस फ्यूचर में क्या देख रहा है अपने आप को? आगे हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए कर सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेवा कर सकें हम और हमारी टीम मिलके, वो करेंगे। हमने सुना है कि आपकी जो कोचिंग क्लास है ये कुछ ज़्यादा ही इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करती है, ये अक्सर हमें सुनाई देता है यहाँ पे लोगों के बीच में। ज़्यादा तो नहीं, साल में हम 2 बार रिक्रिएशनल एक्टिविटी रखते हैं। एक हमारा एनुअल इवेंट होता है और एक होता है पिकनिक। अब आप मुझे बताइए कि क्या आज की डेट में सारे के सारे जो पढ़े लिखे हैं वही सक्सेसफुल हैं? अगर सिर्फ पढ़ाई सब कुछ होता, किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा होगी कि वो डांस में आगे बढ़ सके, किसी के अंदर प्रतिभा होगी कि वो सिंगिंग में आगे बढ़े, कोई स्पोर्ट्स में होगा। और अगर सारी साल पढ़ाई करने के बीच में हमने बच्चों को 2 बार रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवा दिया, उनके मोनोटोनस स्टडी पैटर्न से हट करके उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए किया, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड है, तो उसे कम करने के लिए हम टाइम टू टाइम वो टाइम हम सही देख करके, जहाँ पे उनके ऊपर ना एग्ज़ाम का प्रेशर हो ना टेस्ट उस दौरान हो, पढ़ाई ना इफेक्ट हो, उस टाइम पे हम उनका इवेंट या पिकनिक रखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो आपके स्टाफ है, ये काफ़ी यंगस्टर्स है। देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 17 साल का था, जब मैंने ये खोला तब मैं 21 या 22 साल का था, 21 से 22 साल के बीच में। अब मैंने मेरा मौका खुद ढूंढा मेरे गांव से यहाँ आकर के 2000 किलोमीटर दूर। लोग कहने वाले कहते रहते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि यूथ्स के ऊपर सबसे ज़्यादा उंगली उठती है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो कुछ काम नहीं करता है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, आवारागर्दी करता है। बट अगर आज मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ कुछ बनने का तो उसमें क्या गलत है कुछ करने का? और कोई भी प्रोफेशनली मेरे हिसाब से तो पैदा नहीं होता है, उसे यहीं सीखना पड़ता है, यहीं बनाना पड़ता है। तो अगर मैं बच्चों के साथ साथ इन यूथ को भी बना रहा हूँ तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। जैसे मैं मार्क्स पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में अलग आते थे, मतलब इतने अच्छे नहीं आते थे। जब से मैं एस आया हूँ तब से मैं मार्क्स बढ़े, मैं ग्रोथ बढ़ा है, मैं स्पीकिंग स्किल्स बढ़े हैं, बहुत कुछ बढ़े हैं, मेरी पर्सनैलिटी बढ़ी और
जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ वैसे मुझे बोलने को नहीं होता था, स्टेज फियर भी था, यही सब था। पहले मैं सोच रही थी कि सेल्फ स्टडी ही बेटर होता है, क्योंकि खुद से पढ़ना बेटर होता है मुझे ऐसा लगता था, बट देन ग्रुप स्टडी ज़्यादा बेटर होता है मुझे यहाँ आके पता चला, बिकॉज़ देन तब ऐसा होता है कि 10 लोगों की डिस्कशन सुनकर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक साथ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले ऐसा लगता था कि ग्रुप स्टडीज़ थोड़ी बहुत बोरिंग थी और सेल्फ स्टडीज़ भी थोड़ी बहुत, पर जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये क्लासेस बहुत अच्छे हैं, इसे रेकमेंड कर सकते हैं, और जब इंटरव्यू मतलब पहली बार इंटरव्यू था सर के साथ, तब समझ में आया कि क्या होता है ग्रुप स्टडीज़। एनकरेजमेंट भी मिलती है, बहुत सारा मज़ा आता है। बींग यूथ हमको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलती है, एज वी आर जस्ट सिंपली ग्रेजुएट्स नाउ, सो इट इज़ रियली वेरी वी आर ऑनर्ड कि हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है टू वर्क। वी गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम सर, ही गिव्स अस रियली वेरी मच पॉजिटिव वाइब्स, तो ही इज़ वेरी 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 मच एनकरेजिंग, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि वी लुक फॉरवर्ड टू हिम एंड हम काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में आगे देख सकते हैं अपना फ्यूचर। बट एज ए यूथ हमें सिर्फ हमारी चीज़ों का ख्याल होता है, वो भी हम अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ के लिए ना कोई स्लॉट होता है, ना कोई टाइमिंग होती है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई एंड ये सब पे हम फोकस करते हैं। लेकिन आफ्टर जॉइनिंग एस वी हैव रियलाइज कि हमारी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे अंडर बच्चे हैं, तो उनका करियर बनाना, उनके ऊपर फोकस करना, तो हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पे सीखी है, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू सर। वो हमें डांटते हैं, लेकिन जब वो डांटते हैं हमें अच्छी चीज़ के लिए डांटते हैं, जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है। एंड ये जो हमें सर आप सिखा रहे हैं, हमें लाइफ टाइम के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बींग अ फैकल्टी मेम्बर, सो वी कंसिडर अभिलाष सर ऑन आर प्लेस, वट ही हैड डन डन एट हिज टाइम, वी आर डूइंग दी सेम। वी कंसिडर कि हाँ, जो उनने सारी चीज़ें की थी उनके टाइम पे, हम वैसे ही करना चाहते हैं उनके हिसाब से, बट वी कॉन्ट रीच हिज लेवल। वो तो है, उनने जो भी किया है अपने दम पे किया, हमें जो भी चीज़ें उनने बताई हैं, सब जो उनने हमें समझाया है, वो बहुत अच्छे से आज जाके हमें पता चल रहा है कि हाँ, कमिंग इन टू दिस लाइन इज़ नॉट ईजी, डीलिंग विद सो मैनी थिंग्स ऑल्सो। थैंक यू। ये क्लास से मैं अभी 3-4 महीने से ज्वाइन किया है मैंने क्लास। ये क्लास आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि क्लास यहाँ पे बच्चों को शिक्षा के अलावा यहाँ पे बच्चों की पर्सनैलिटी और बच्चों को खेलकूद, इनके बारे में यहाँ पे सब कुछ बच्चों को मिल रहा है। यहाँ का जो बच्चों यहाँ बच्चे आते बस पढ़ाई नहीं, यहाँ पे बच्चों को सब कुछ मिलता है। ये पहला क्लास ऐसा मैंने देखा है मेरे लाइफ में कि यहाँ पे बच्चों को सब कुछ मिल रहा है और बच्चे खुशी खुशी यहाँ क्लास के लिए आ रहे हैं। और मैं ज़्यादा सर से सर को थैंक्स बोलता हूँ इसलिए कि यह क्लास में मुझे मौका मिला सिखाने के लिए। बस यहाँ पे बच्चे आगे जाएंगे तो बस शिक्षा में नहीं, कोई क्रिकेटर बनेगा आगे, कोई पॉलिटिकल बनेगा, कोई आगे बहुत सारे आगे जाएगा और बहुत बड़ा बन सकता है बच्चा। इसके लिए मैं सर को थैंक्स बोलूँगा और ये क्लास यहाँ पे ये शुरुआत है, आगे आगे तो बहुत कुछ रहेगा। ये क्लास सानपाड़ा में नहीं, नई मुंबई में नहीं, शायद ये इंडिया में उसका नाम हो जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो जिस तरह एस है उस तरह से और भी बाकी कोचिंग क्लासेस है, तो हम आपको क्या लगता है कि क्या अलग है आप बाकी कोचिंग क्लासेस से? देखिए, जैसा पहले मैंने बताया कि सबसे पहले तो 10 से 12 स्टूडेंट्स हमें अलग करते हैं। उसके अलावा आजकल मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे का आने जाने की प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस दौरान ट्यूशंस का टाइम रहता है वो उस टाइम पे मदर फादर दोनों घर पे नहीं हैं। इस प्रॉब्लम को समझते हुए हमने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अपनी क्लासेस में स्टार्ट किया, तो बच्चे सुरक्षित घर आ सकते हैं, घर से क्लासेस और क्लासेस से घर। यदि कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहे, जो अपने बच्चों को आपके पास भेजना चाहे, तो आपके पास कैसे जुड़ पाएंगे, वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है और हमारे पेजेस हैं फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में हमारे वीडियोस अपलोड हैं, जिस तरह से हम लोगों के साथ अपनी हर खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपना एनुअल इवेंट, तो वो सारे हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। क्या वेबसाइट एड्रेस है आपकी? जी, www.aceeducationist.com।